राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरमैन एस नारंग की अध्यक्षता में न्यायिक परिसर भिवानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण सचिव शिफा ने बताया कि अदालत में पहुंचे 1374 विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करते हुए 1010 परिवादों का मौके पर ही निपटान किया गया। यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव शिफा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एस नारंग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिविल आपराधिक, मोटर वाहन दुर्घटना, बैंक ऋण, राजस्व व वैवाहिक मामलों का निपटान किया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में रखे जाने वाले बीमा एवं दुर्घटना बीमा संबंधी मामलों में आपसी सहमति के लिए 30 अगस्त को दोपहर 2 बजे न्यायिक परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया था। वह वैवाहिक मामले फैमिली कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के दौरान किए गए और अदालत में कुल 1374 मामलों की सुनवाई करते हुए 1010 परिवादों का मौके पर निपटान किया गया। आज हमने लोक अदालत लगाई है और 5 बेंचेस बनाए हैं। इसमें हम सभी नेचर के केसेस टेकअप करते हैं और सभी लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि लोक अदालत के जो केसेस हैं उनकी कोई अपील नहीं रहती है, प्लस कॉस्ट फीस जो कोर्ट फी लगती है उसका रिफंड हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि हमें सारे मीडिया से इसकी पब्लिसिटी की हुई थी, प्रिंट मीडिया से, न्यूज़पेपर से, टीवी से, और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो PLA है उसमें बैंक लोन्स का बहुत इजीली निपटारा हो जाता है, इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, ये सभी फ़ायदे होते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होता है। इवन फैमिलीज़ को बुलाया जाता है और फैमिली कोर्ट का हमेशा ही एक बेंच बनता है ताकि आज के दिन फैमिलीज़ को बिठा के जज साहब वो टाइम दे पाए जो शायद कोर्ट में नहीं दे पाते हैं, और बात हो सके और सोल्यूशंस आ जाएँ। 1,10,00,000 रुपए की लागत से बनेगा भिवानी में ऑटो मार्केट प्लेटफॉर्म, यह कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। शनिवार को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ऑटो मार्केट में प्लेटफॉर्म का शिलान्यास किया। इस अवसर पर भिवानी उपायुक्त डॉक्टर अंशद सिंह व नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव भी मौजूद रहे। ऑटो मार्केट में प्लेटफॉर्म का आज शिलान्यास महेंद्रगढ़ भिवानी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने किया। वहीं जिला उपायुक्त डॉक्टर अंशद सिंह एवं नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव की अध्यक्षता में शिलान्यास किया गया। वहीं नगर परिषद के चेयरमैन ने बताया कि 1,10,00,000 रुपए की लागत से ऑटो मार्केट में प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। वहीं ऑटो मार्केट में रहने वाले मिस्त्री एवं दुकानदारों ने इस कार्य के लिए प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आज ये ऑटो मार्केट का जो प्लेटफॉर्म है इसको आज हमने शुरू करवा दिया कार्य, और मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छा कार्य होगा, क्योंकि हमने लगभग 1,10,00,000 की लागत से इसको कार्यकरण शुरू किया जा रहा है। और मैं सभी मेरे ऑटो मार्केट वासियों से भी अपील करूंगा कि इसका बढ़ने में सहयोग भी करें और सभी पूरा माल मटेरियल का सब कुछ का पूरा ध्यान रखेंगे। एक कमेटी गठित कर दी गई है जो इनकी तरफ से मार्केट एसोसिएशन की, और बहुत अच्छा काम होगा। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी बनाने के बाद इस पर मिलेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक BS शेखावत का शनिवार को घंटाघर स्थित बैंक के मुख्य शाखा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए स्टाफ व ग्राहकों को संबोधित किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भिवानी घंटाघर मुख्य शाखा में पधारने पर कार्यपालक निदेशक BS शेखावत एवं क्षेत्रीय प्रबंधक VC खुराना और उप क्षेत्रीय प्रबंधक गुलशन खुंगर ने बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करने के उपरांत स्टाफ व ग्राहकों को संबोधित करते हुए बैंक में चल रही विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने बैंक में चलने वाली सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा लोन योजना एवं मोबाइल बैंकिंग व नेट बैंकिंग के ऊपर उपभोक्ताओं को जागरूक किया। वहीं ब्रांच शाखा के सदस्यों को भी बधाई दी गई। उनके अच्छे कार्यों के उपरांत उन्होंने बैंक स्टाफ के सदस्यों को भी जागरूक किया ताकि उपभोक्ताओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके और बैंक से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हांसी रोड स्थित राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में शनिवार को 2 दिन से चल रहे कला कुंज उत्सव धूमधाम से संपन्न हो गया। दूसरे दिन के उत्सव का आगाज प्राचार्य मंजू गौतम द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी गीतों पर नृत्य करके खूब समा बांध दिया। कार्यक्रम में हरियाणा लघु नाटिका, मोनो एक्टिंग, मिमिक्री और नाटक के माध्यम से सभी दर्शक
हंस उठे और तो कभी भावुक हो उठे। अनेक ज्वलंत समस्याओं के समाधान इन नाटकों के माध्यम से सुझाए गए। मंच संचालन का दायित्व प्रोफेसर तिलोक चंद व प्रोफेसर सुमित्रा ने निभाया। प्राचार्य श्रीमती मंजू गौतम ने अध्यक्षीय उद्बोधन में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सदस्यों को इस कुशल व सफल आयोजन की बधाई देते हुए आभार जताया। छात्राओं को भी उनके अनुशासन प्रस्तुतियों के लिए बधाई दी गई तथा शैक्षणिक क्षेत्र में भी ऐसे ही प्रदर्शन हेतु आशीर्वाद दिया गया। साथ ही उन्होंने छात्राओं को प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम फहराने व हर अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नृत्य प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका सर्वश्री प्रोफेसर रेखा शर्मा, प्रोफेसर सुमन बामल व प्रोफेसर खुशबू ने निभाई। शनिवार को दिनौत गेट स्थित टिबड़े बाल सभागार में लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा नंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बतौर मुख्य अतिथि किया। वहीं इस अवसर पर तीसरी कक्षा से पांचवी कक्षा के बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुत